गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर्थ के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10, प्ले विथ पैटर्न्स। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे पैटर्न्स पहले भी थोड़ी बहुत देखी है। हमारा जो आगे का चैप्टर था उसमें हमने ये देखा था। चलिए तो देखते हैं प्ले विथ पैटर्न्स। टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। अब देखो टीनू ने क्या किया, इस ब्लॉक का यूज़ करके साड़ी बनाई। तो देखो साड़ी कैसे ब्यूटीफुल लग रही है। नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। अब देखो क्या कहता है कि भाई नेक्स्ट उसने बेडशीट बनाई इसी ब्लॉक से। तो क्या दिख रहा है आपको, उसी ब्लॉक के सिर्फ कलर डिफरेंट है। यहाँ पे देखो है तो सेम ही ब्लॉक, और फिर क्या किया है इन ब्लॉक्स को एक साथ ऐसे पुट किया है जिससे ये डिजाइन फॉर्म हो रही है। ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। अब देखो क्या कहते हैं कि पहले उसने क्या बनाई, साड़ी बनाई, उसके बाद उसने बेडशीट बनाई, अब उसने उसी ब्लॉक का यूज करके क्या किया, एक दुपट्टा बनाया। कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न यूजिंग द सेम ब्लॉक। नाउ यू मेक थ्री डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस ब्लॉक। अब देखो तीनों ने कैसे अलग अलग पैटर्न बनाए सेम ब्लॉक को यूज करके। तो हमें भी यहाँ पे एक टास्क दिया गया है, क्या है कि इस ब्लॉक का यूज़ करके हमें तीन डिफरेंट पैटर्न्स बनानी है। तो यस हम बना सकते हैं। किस तरह से, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो ब्लॉक है हम उसको पहले इस तरह से पुट कर देंगे, उसके बाद ऐसे उल्टा, फिर से सीधा, इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे सीधा फिर उल्टा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पैटर्न। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्लॉक जो है उसको कुछ इस तरह से रखेंगे, हम फिर इस तरह से, फिर से इस तरह से, और फिर ऐसे। तो इस तरह से हम ब्लॉक बना सकते हैं। तो ये दो पैटर्न्स तो मैंने आपको बता दी, अब आपको तीसरी जो पैटर्न है वो अपने आप सोचना है कि हम और किस तरह से अलग पैटर्न बना सकते हैं उसी ब्लॉक का यूज़ करके। नाउ यामिनी हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड। अब देखो क्या कहते हैं कि यामिनी जो है उसने इस तरह से कुछ पैटर्न बनाई है, तब हमें उसे हेल्प करनी है इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इस तरह से कुछ पैटर्न है, दोनों ऊपर की साइड जा रहे हैं, फिर दोनों नीचे आ रहे हैं, उसके बाद फिर तीनों ऊपर जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे नीचे आना चाहिए ना, हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, चारों ऊपर जाएंगे, फिर चारों एरा ये जो है वो नीचे आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, सर्कल बनाना है हमें, चार पार्ट्स करने हैं, फिर ये वाला कलर है, ये वाला कलर है, उसके बाद ये वाला कलर है। तो यहाँ पे आएगा ये वाला कलर, फिर यहाँ पे फिर से ये वाला कलर आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हेल्प उसकी। वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विद द नंबर एंड लेटर। बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कैन यू टेक दैम फॉरवर्ड। अब देखो क्या कहते हैं, हम नंबर से भी और लेटर से भी पैटर्न बना सकते हैं। देखो किस तरह से पैटर्न बनाई है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 28Z है, 27Y है, 26X है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25W आएगा। तो उसी तरह से हमें ये पैटर्न आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है। फिर है 864, 764, 664। तो यहाँ पे क्या आएगा,
564, फिर यहाँ पे 464 और यहाँ पे 364, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 9, फिर है 109, फिर है 209, तो यहाँ पे क्या आएगा 309, फिर 409 और यहाँ पे 509, ओके। नाउ राइट योर ओवन नंबर पैटर्न। अब देखो क्या करनी है, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए गए थे इसी पैटर्न के, ठीक है, तो यहाँ पे हमको अपनी तरफ से पैटर्न बनानी है, तो ये आपको करना है। चलिए तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी। एंड हाँ, ये वाली जो पीटीएम है उसमें आपको दो यूनिट टेस्ट भेजे जा रही है, जिसमें से यूनिट टेस्ट हमारे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की। तो अभी आपको चैप्टर नंबर 8 की जो हमारी यूनिट टेस्ट भेजी जाएगी आपके पेरेंट्स के साथ, वो फिलअप करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि यूनिट टेस्ट जो है चैप्टर नंबर 9 की स्टार्ट कर देनी है आपको, तभी आपको वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। तब तक सिर्फ यूनिट टेस्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 की स्टार्ट करनी है, और फिर आपको बोला जाएगा कि वो चैप्टर की टेस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे भिजवा दो स्कूल पे, ओके। चलिए टेक केयर, स्टे ब्लेस, और हाँ यूनिट टेस्ट फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट टेस्ट जो चैप्टर नंबर 9 की है वो भी अभी कंप्लीट करनी है, इसीलिए। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, और हो सके उतना घर से काम बाहर निकलिएगा, चाहे वो खेलने के लिए ही क्यों ना हो।